नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में। आज पूरा देश छठ का पर्व बेहद धूमधाम के साथ मना रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के छठ पूजा स्थल में। नजारा आप देख सकते हैं कि पूरा जो छठ पूजा स्थल है वो महिलाओं से, भक्तों से, पुरुषों से भर चुका है। यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठा हुई है वो छठ पर्व मनाने को लेकर इकट्ठा हुई है। मान्यता है कि आज के दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने से मनोकामनाएं जो है पूरी होती हैं, और जिस तरह से महिलाएं लगभग 36 घंटों का ये व्रत रखती हैं उसके बाद उसका व्रत पूरा होता है और आज ये महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। तो बिना किसी देरी के महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये जो पूरा व्रत है वो सफल होता है, आज किस लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कल क्या कुछ करने वाला। नमस्कार, आपका नाम? कमलावती देवी। छठ का मौका है और भीड़ बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिल रही है, आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए इतनी सारी महिलाएं? व्रत रखती हैं, साल भर के त्योहार है, उनके मनोकामना पूरा होता है, बच्चों के व्रत होता है, जो बोलती हैं उनका मनोकामना माता रानी पूरा करती हैं, इसीलिए छठ व्रत करते हैं। अच्छा, अभी शाम को इकट्ठा होते हैं, क्या करते हैं शाम को यहाँ पे इकट्ठा होके? पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, दिया बत्ती जलाते हैं, उनके अर्घ देते हैं। और जल कब चढ़ाया जाता है? जल शाम को जैसे सूरज ढलते हैं उस समय, आज सुबह जब सूरज भगवान उगते हैं उस समय। सुबह किस टाइम पे जल चढ़ाया जाता है? 6 बजे। सुबह 6 बजे चढ़ाया जाता है। तो आप हल्द्वानी रहते हैं? जी। अच्छा, तो छठ मैया का व्रत किस लिए रखते हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए, सबके लिए होता है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मुनी देवी। छठ का मौका है, आज क्या कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है? पहली अर्घ हो रही है। पहली अर्घ क्या करते हैं इसमें? सूर्य भगवान की पूजा होती है। अच्छा, सूर्य भगवान की पूजा होती है, जिसकी औलाद नहीं होती है उसके लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं। अच्छा, धुआं धाम से करते हैं, कहते हैं बच्चों के लिए भी रखा जाता है। बच्चे के लिए, पति के लिए रखते हैं, कि हमारा पति की उम्र ज्यादा बढ़े। अच्छा, जिसकी गोद में बच्चा नहीं उसकी गोद खेले। अच्छा, कितने घंटों का व्रत होता है ये? 48 घंटा का होती है। 48? तो 48 निर्जला व्रत होता है। अच्छा, आज यहाँ पे डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है? डूबते सूरज के, डूबते सूरज के करते हैं। अच्छा, तो अगले दिन क्या होता है? सुबह उठ गए फिर जल देंगे, रख देंगे, तब घर जाएंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये गन्ने से आपने कुछ बनाया, क्या बनाया? इसने भरा था, लड़के की शादी थी, लड़की की शादी थी। अच्छा, जैसे लड़की शादी करते तो हम कोसी भरते हैं। अच्छा, ये माँ हमने कोसी भर रहे हैं तो कोसी भरते हैं। अच्छा, भरा होती है जिसकी भरते हैं। अच्छा, कितने सालों से रख रहे हैं आप ये? हमने बहुत साल हो गया, 30 साल हो गया। 30 साल? 35 साल हो गया। 35 साल हो गया। आपका नाम? मेरा नाम नेहा कुमारी। आप पहली बार रख रहे हैं ये? फिर रख चुके हैं? नहीं, मैं नहीं रख चुकी हूँ, मैं खरीदने को लगती हूँ। मैं पूजा नहीं रखती हूँ। मतलब 48 घंटे का ये व्रत होता है, तो क्या लग रहा है, हार्ड होता है ये व्रत? हार्ड होता है व्रत। अच्छा, हाँ, छठ पूजा के अवसर पर हार्ड होता है व्रत। तो यहाँ पर अभी आप नीचे उतर के अर्घ दे दिया आपने? हाँ। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद घर जा जाएंगे। घर जाएंगे। व्रत कब खुलेगा? कल। हाँ, कल सुबह 8 बजे। 5 बजे खुलेगा? 8 बजे। 8 बजे? 8 बजे। हाँ, मैम से बात करेंगे। आपका नाम है? लालसा देवी। आप कितने सालों से रख रहे हैं पास? मेरा क्या, 2004 से रख रही हूँ। मतलब 20 साल होने को आए हैं आप। तो मतलब कितने दिन का वो होता है पूरा त्योहार? 15 दिन का होता है, 3 दिन का तो होता ही है। 3 दिन का। आज के दिन क्या करते हैं? आज पूजा करते हैं। आज पानी में, आज उगता सूरज देते हैं, डूबता सूरज देते हैं, और कल उगता सूरज देंगे सुबह। मान्यता क्या है इसकी कि इस व्रत से क्या इच्छा फल पूरे होते हैं? सब फल, जो भी इच्छा मन में रहता है सब पूरे होते हैं। बोल लेना कि हम गए छठ मैया, हम ये काम पूरा कर दोगे तो हम आगे चल के आऊंगा, प्रसाद चलाएगा, पूरा होकर रहेगा। अच्छा, इस व्रत है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा भारती नाम है। छठ का मौका है और अब भी यहाँ पर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, क्या कुछ पूरी तैयारियाँ आपकी ओर से की जाती है? ये तैयारी हमारी 15 दिन से 1 महीने से होती है। इसके लिए हम लोग 1 महीने से तैयारी करते हैं और 1 महीने से लहसुन प्याज सब छोड़ देते हैं, और दिवाली के बाद से तो बिल्कुल ही एकदम त्योहार रहते हैं। और ये 36 घंटे का व्रत होता है
जो हमारे बिहार से लेकर आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया है। और इसमें उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और ढलते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। और 36 घंटे का ही व्रत रहता है। हार्ड लगता है आपको क्योंकि खाया पिया तो कुछ ज्यादा नहीं है? सब माता की शक्ति है, हार्ड नहीं होता है, पता नहीं चलता है, सब भगवान की कृपा है, माता छठी मैया की कृपा है। कल सुबह क्या कार्यक्रम रहेगा? कल यही प्रसाद हम सुबह लेके आएंगे फिर से, और फिर उगते सूरज के लिए प्रतीक्षा करेंगे यहाँ पे पानी में खड़े होके, और फिर जब उगते हैं तो उस टाइम दूध का देंगे उनको, फिर जब यहाँ पूजा करके तब घर जाएंगे, तब जल पानी जो भी लेते हैं तब। हाँ नहीं नहीं चलिए ठीक है, थैंक यू। आंटी से भी बात करेंगे यहाँ पे। आंटी आप लोगों का भी बर्थडे, आप लोगों का भी सब बर्थडे, बता दो होगा इसके बारे में, इसके बारे में बताए। चलो आंटी से बात करेंगे। नमस्कार, छठ नमस्ते। आपका नाम? चंदा गुप्ता है। मैम छठ का मौका है, यहाँ पे तमाम महिला यहाँ पे इकट्ठा हुई है, यहाँ पर सब महिलाएं इकट्ठा हो रही है, और चार तीन दिन से कुछ भी नहीं खाते हैं। ये पूजा होती है और सब मनोकामना सबकी पूरी होती है। यहाँ पे पानी में आप लोग उतरे हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पानी में उतरे हैं, भगवान सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाती है कि सबकी मनोकामना पूरी करे छठ माता, और सुबह सुबह 5 बजे पूजा होगी और सबकी मनोकामना पूरी होगी, इसी तरह से दिया जलेगा। ये व्रत रखा क्यों जाता है? इसकी सभी सुख शांति के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के लिए भी रखा, बच्चों के लिए रखा जाता है, सभी सुख शांति के लिए रखा जाता है, घर में खुशियाँ हो। तो देखा हमने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी के छठ पूजा स्थल में छठ की रौनक आज देखने को मिल रही है। तमाम महिलाएं और भारी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। छठ पर्व यहाँ पे बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं से हमने बात करी जिन्होंने यहाँ पर जो छठ पर्व था उसका फास्ट रखा था, और आज डूबते हुए सूर्य को ये लोग अर्घ देने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ जेजेएन न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार। We'll be right back.